आइए, आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउ टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे करना। देखो, आपको बताया कि कॉन्शियस माइंड है हमको, सबकॉन्शियस माइंड है। 90% जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है और 10% जो है वो कॉन्शियस माइंड है। और जो हमको कंट्रोल करता है पूरा, वो पूरा सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। तो हमको जो भी रिजल्ट्स चाहिए हमारे लाइफ में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। अभी देखिए कि मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ आपके सामने, अभी जो हाथ हिला रहा हूँ अभी मैं कॉन्शियस माइंड से मेरे हाथ हिला रहा हूँ। पर इसके पहले मैं जो एक मिनट बात कर रहा था और मेरे हाथ हिल रहे थे, तो मेरा ख्याल नहीं था जो मैं हाथ हिला रहा था, ऑटोमेटिक हिल रहे थे, वो सबकॉन्शियस माइंड से हिल रहे थे। देखो, अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मेरे आँखों की पलके झपक रहा हूँ, अभी मैं झपक रहा हूँ, देखो, तो ये मैं कॉन्शियस माइंड से कर रहा हूँ, मगर उसके पहले भी झपक रही थी, वो सबकॉन्शियस माइंड से हो रही थी। तो हमारा पूरा कंट्रोल जो है वो सबकॉन्शियस माइंड से चल रहा है, पूरा पास जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है, मेमोरी में है, और हम मेमोरी से पूरा ऑपरेट करते रहते ज़िंदगी में। आप बताइए कितने चीज़ें आप खुद होके करते हो, खुद होके जानबूझकर करते हो, वो कॉन्शियस माइंड से करते हो, मगर काफ़ी सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड से होते रहती। 99.99% बातें जो है वो सब सबकॉन्शियस माइंड से चालू रहती है। देखो, आपने पिज़्ज़ा खाया, आपको बहुत टेस्टी लगा, फिर बाद में उसमें आपने थम्सअप भी ले लिया, वो भी आपको अच्छा लगा। अभी अंदर जाने के बाद में क्या हो रहा है, उसका कॉन्शियस माइंड कुछ कर रहा है नहीं, अभी तो पूरा सबकॉन्शियस माइंड ही कर रहा है, जो कर रहा है वो कर रहा है। तो होता क्या है कि हम कुछ भी नई चीज़ करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, अभी समझो पढ़ाई कर रहे हैं, अब पढ़ाई में मैं पढ़ रहा हूँ वो कॉन्शियस माइंड से पढ़ रहा हूँ, क्या उस समय मेरा सबकॉन्शियस माइंड कोऑपरेट कर रहा है? यदि मेरा सबकॉन्शियस माइंड जब मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तब कोऑपरेट करेगा, कॉन्शियस माइंड भी काम कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड भी कोऑपरेट कर रहा है, देखो कितने अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आएंगे। मगर ये देखो कि मैं कॉन्शियस माइंड से पढ़ाई कर रहा हूँ या कॉन्शियस माइंड से कुछ काम कर रहा हूँ, और सबकॉन्शियस माइंड मेरा इतना उत्सुक नहीं है, इतना उसको मज़ा नहीं आ रहा है, और वो सबकॉन्शियस माइंड वो काम करने में उसको मज़ा भी नहीं आ रहा है, कोऑपरेट भी नहीं कर रहा है, क्या मेरा काम अच्छा होगा? बिल्कुल ही नहीं। मतलब मैं कॉन्शियस माइंड से एक काम कर रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड उसमें कोई मज़ा नहीं ले रहा है, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन भी नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड चाहता भी नहीं है, तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? वो तो 10% कॉन्शियस माइंड ही काम कर रहा है और 90% सबकॉन्शियस माइंड वो काम ही नहीं कर रहा है। तो मुझे कुछ भी नया सीखना है, नया कुछ आत्मसात करना है, नई कुछ पढ़ाई करने की है, जो भी कुछ करना है, जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, जो भी नया सीख रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, मतलब कार चलाना सीख रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ उसमें, उसके साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करेंगे या ट्रेन करना हमको देखना पड़ेगा। फिर उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना पड़ेगा कि मैं कॉन्शियस माइंड को जब, मतलब मैं समझो एक आधा गोल सेट कर रहा हूँ, एक आधा गोल सेट कर दिया मैंने, वो बहुत बड़ा गोल है, तो गोल सेट करने के बाद में मैंने उसके ऊपर काम नहीं करना है कि ये गोल मुझे अचीव करना है, इतना बड़ा पहाड़ मेरे सामने है वो कैसे होगा, उसके बदले मैंने क्या करना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए वो जो गोल है उसके टुकड़े टुकड़े करना, छोटे छोटे गोल सेट करना। होता क्या है कि उसके समझो मैंने छोटे छोटे गोल सेट कर दिए, जैसा अभी गेम्स में होता है, मोबाइल में बच्चे गेम्स खेलते रहते हैं, उसमें अलग अलग स्टेप्स है, 50 स्टेप्स है, तो 50 स्टेप्स तक थोड़ी जाना है अपने को, हमको देखना है कि पहला एक ही स्टेप पे जाने का है, एक स्टेप तक करने का है, एक स्टेप करने के बाद में उसमें जितनी सफलता मिलती है तो अच्छा लगता है, सबकॉन्शियस माइंड को यदि उसमें सफलता मिली तो उसको भी अच्छा लगेगा, सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो जाएगा कुछ तो भी नया करने के लिए। फिर सेकंड स्टेप करने का है, सेकंड स्टेप करने का है, उसमें सफलता मिलेगी, सबकॉन्शियस माइंड को उसका ट्रेनिंग मिल जाएगा, उसको अच्छा लगने लगेगा, वो भी कोऑपरेट करने लगेगा। मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा गोल्स ना रखते हुए यदि हम छोटे छोटे गोल्स रखते हैं, छोटी छोटी सफलता हासिल करते रहते हैं, तो होगा क्या है, सबकॉन्शियस माइंड धीरे 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 उसमें ट्रेन हो जाएगा। तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम इतनी बार कॉन्शियस माइंड से वो काम करेंगे, इतनी बार करेंगे, इतनी बार करेंगे कि उसकी हैबिट बन जाएगी,
और एक बार हैबिट बन गए, आदत बन जाएगी, आदत बन गई तो आदत से मजबूत, सबकॉन्शियस माइंड में वो आदत जैसी डाल दिया और सबकॉन्शियस माइंड आदत से काम कर रहा है, वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है, तो फिर कॉन्शियस माइंड भी काम कर रहा है और सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, बहुत बड़े रिजल्ट्स आएंगे। तीसरा, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना है या ट्रेन करना है तो उसके लिए कॉन्शियस माइंड से आप जब काम कर रहे हो तो पहले उसका प्लान बना लेना, फिर नेक्स्ट विजुअलाइजेशन कर लेना कि पूरा हमको विजुअलाइज करके देखना है कि क्या क्या मैं करने वाला हूँ, कौन से गोल्स अचीव होंगे, मुझे कितने कहाँ तक रिजल्ट्स पाने के हैं, क्या रिजल्ट्स पाने के हैं, और मैं पूरा आँखों के सामने आँखें बंद करके विजुअलाइज कर रहा हूँ। जब मैं पूरा विजुअलाइज करूँगा कि मुझे करना क्या है, रिजल्ट्स क्या होगा, आउटकम क्या होगा, उसका प्लान है, उसकी स्ट्रेटेजी पूरी बनी हुई है और मैं काम करना चालू कर रहा हूँ, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसको कोऑपरेट करेगा। इन शॉर्ट क्या है जो मैं बता रहा हूँ, एक तो छोटे छोटे गोल्स क्रिएट करना, छोटे छोटे गोल्स क्रिएट करेंगे तो छोटे छोटे गोल्स सफलता मिलती जाएंगी, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होते जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, इतने बार करना हो, इतनी हैबिट करना कि आप सबकॉन्शियस माइंड से खेल रहे, सबकॉन्शियस माइंड से ऑटोमेटिकली काम हो रहा है। जैसा अभी कार है, कार कॉन्शियसली हम चलाते हैं, बाइक कॉन्शियसली चलाते हैं, सीखते हैं और बाद में वो इतने बार हम चालू कर, इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कार चलाना ऑटोमेटिक हो जाता है। अभी कार ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली हम चला रहे, या बाइक सबकॉन्शियसली चला रहे, ऑटोमेटिकली चला रहे, सबकॉन्शियस माइंड से चला रहे, उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता कार चलाना कैसे। अभी कार चलाते चलाते म्यूजिक सुन रहे, गप्पे मार रहे, प्लानिंग कर रहे, हाथ बता रहे कि उसको ऑटोमेटिक हो रहा है वो। तो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए नंबर दो मैंने बताया हैबिट, और नंबर तीन सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए आप विजुअलाइज कर रहे हो, विजुअलाइज करते 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 उसकी इतनी आदत बनाना, सबकॉन्शियस माइंड में उसका इतना इम्प्रिंटिंग करना है कि सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली, जब आप कॉन्शियसली करना चालू करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उसमें कोऑपरेट करेगा और काम करना चालू करेगा। सबकॉन्शियस माइंड को मज़ा आता रहेगा ना, सफलता छोटी छोटी मिलती है, सबकॉन्शियस माइंड को मज़ा आते रहता है, सबकॉन्शियस माइंड कोऑपरेट करेगा और वो कोऑपरेट करेगा और मज़ा आएंगी, और कोऑपरेट करेगा और सफलता मिलेगी और मज़ा आएंगे और बड़े गोल्स फिर हासिल करना संभव होगा। तो ये तीन रास्ते मैंने बताया, हाउ टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, ये आप करते हैं तो आपका 10% कॉन्शियस माइंड और 90% सबकॉन्शियस माइंड दोनों भी एक साथ काम कर रहे हो, देखो कितनी मजा आ जाएंगी। जो लोग पैशनेट है, मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए पैशनेट है, मतलब पूरा भूख प्यास भूल के काम करते हैं, वो उनका सबकॉन्शियस माइंड में इतना इतना भरा हुआ रहता है, इतना पूरा पैक रहता है, इतना ट्रेंड है, इतना सबकॉन्शियस माइंड से वो काम करते हैं, ऑटोमेटिकली काम करते हैं, क्योंकि उनका काम करने के समय इतने पैशनेट है कि मज़ा आ रहा है उनको, तो वो पूरा भूख प्यास भूल के ही काम करते हैं, तो वो कॉन्शियस माइंड से भी काम कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड से भी काम कर रहे हैं, देखो कितने रिजल्ट्स आएंगे। तो हमको ये देखना है कि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है तो ऑटोमेटिसिटी जो है वो डालनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली उसने काम करना है वो डालना पड़ेगा, इतने बार काम, इतनी प्रैक्टिस करवाना है, इतनी हैबिट करवाना है कि उसको फिर सोचने का ही काम ना करना पड़े और रिजल्ट्स आएंगे। और ये यदि हम करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह ट्रेन हो जाएगा और हमारी ज़िंदगी में जो रिजल्ट्स हमको हासिल करने के वो मिलेंगे। सबकॉन्शियस माइंड इस तरह ट्रेन होते रहता है, सबकॉन्शियस माइंड को मज़ा आते रहता है काम करने में, सबकॉन्शियस माइंड में डोपामिन का सर्ज हो जाएगा ये करते करते, तो और वो काम करना शुरू रखेगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के तरीके, आप ये करेंगे तो ज़रूर बहुत बड़े रिजल्ट्स आपको हासिल हो सकते हैं। यह आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।